जैसलमेर से 30 किमी दूर भारतीय वायुसेना का एक टूरिस्ट विमान क्रैश हो गया। हादसा गुरुवार सुबह 10 बजे के करीब पिथला जॉर्जिया गांव के पास भोजनियों की ढाणी के पास हुआ। हालांकि हादसे में किसी तरह का कोई नुकसान की खबर नहीं आई है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन के साथ वायुसेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। वायुसेना के अधिकारी क्रैश के कारणों की जाँच कर रही है। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक ये UAV एयरक्राफ्ट है जो मानवीय रहित होती है और बॉर्डर एरिया पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखने के काम आता है। ये बॉर्डर एरिया में लगातार घूमता है और निगरानी करता है।